गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आई एम बैक विद अनदर वीडियो और ये वीडियो होने वाली है अंकल जॉन्स पिज़्ज़ा। आज हम चल रहे हैं अंकल जॉन्स पिज़्ज़ा जो कि वैशाली में सिचुएटेड है। सो अभी मैं चलती हूँ वहाँ पे, बुफे सिस्टम काफ़ी सस्ता है तो दिखाती हूँ मैं आपको कि कैसा है। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस टू रीच हेयर वैशाली मेट्रो स्टेशन से 10 मिनट्स की वॉकिंग है तो आप यहाँ आ सकते हैं। आई विल लिंक द लोकेशन इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट एंड नेविगेट अकॉर्डिंगली। सो गाइस मैं अंदर तो आ चुकी हूँ, अब चलते हैं ऊपर और रेस्टोरेंट में दिखाती हूँ कैसा है। गाइज मैंने विजिट किया था स्टोर को थोड़ा अर्ली मॉर्निंग ताकि मैं आराम से शूट कर पाऊँ एंड माय फर्स्ट एक्सप्रेशन वाज इट इज़ सो ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लीन, जैसे कि आप देख सकते हैं, और मीडियम स्पेसिंग है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ का एम्बियंस। गाइज इस वीडियो में मैं आपको सभी डिशेज के रिव्यू, व्हाट आर द डिशेज दे आर सर्विंग फॉर बुफे आइटम और प्राइजेस क्या है, सब कुछ मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग टिल द एंड। जो भी सैलेड्स और पास्ता जो भी आपको अवेलेबल चाहिए वो आप खुद से अपने बुफे सिस्टम है तो जाके ले सकते हैं। तो अभी यहाँ पे टमाटो सूप और एक चिकन सूप, दोनों वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों रखा है मैंने। तो अभी टेस्ट करते हैं और बताते हैं कैसा है इसका टेस्ट। इसमें क्रूटॉन्स भी थे। सो अभी मैं टेस्ट करने वाली हूँ टमाटो सूप इनका। काफ़ी टेस्टी है और घर जैसा सूप है जैसा मेरी मम्मी बनाती है। तो ये तो हो गया वेजिटेरियन वर्जन में जो आपको मिलने वाला है। अब मैं टेस्ट करती हूँ चिकन सूप का। सो गाइस देख सकते हैं आप कितने सारे चंक्स हैं एक सूप की सर्विंग में। चिकन के काफ़ी सारे चंक्स डले हैं तो विच इज़ अ गुड थिंग। तो अभी टेस्ट करते हैं। ओ वाओ, इससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है, इसलिए नहीं कि ये नॉन वेज है बट इसका टेस्ट बहुत टेस्टी है। आई लव इट। सो अभी हमने सूप तो टेस्ट कर लिया, अब हम चलते हैं, अब दिखाती हूँ पास्ता और सैलेड्स की वैरायटी। तो चलिए चलते हैं, मैं वहाँ पे खुद सर्व करने वाली हूँ इसकी, चलते हैं मैं दिखाती हूँ आपको। ठीक लगता है मैं वो लेती हूँ, थोड़ा सा ही लेते हैं टेस्टिंग करें, थोड़ा थोड़ा लेंगे ताकि वेस्ट ना हो। और अब मैं रखती हूँ अपने प्लेट में सारे ही स्टार्टर्स जो कि हैं यहाँ के नूडल्स
जो कि एकदम गर्म है। यहाँ है वाइट सॉस पास्ता। प्रेजेंटेशन इसकी इतनी अच्छी कर रखी है, मुझे बिगाड़ने का मन नहीं कर रहा। यह है रेड सॉस पास्ता। आई थिंक ये कोई ब्रेड की आइटम है, मुझे नाम नहीं पता लग रहा। दिस इज गार्लिक ब्रेड आई थिंक। एंड ये है हमारा मंचूरियन, ग्रेवी मंचूरियन। और ये है हमारा अगेन, दिस इज मिक्स काइंड ऑफ पास्ता। ओके सो मैं इनमें से जो थोड़ा थोड़ा सभी को टेस्ट कर लूँ। जैसा नॉर्मल एक कॉर्न मसाला कॉर्न्स होते हैं वो है, ये क्रिस्पी कॉर्न्स नहीं है तो मुझे तो अच्छे लगे। बाकी मैं ट्राई करती हूँ, आई थिंक कोई मेयोनीज के साथ गाजर का कोई सैलड है। वेरी यम। ट्राई करती हूँ, ये कोई सेसमी सीड्स की सैलड है। दैट इज ओके ओके, काफ़ी मीठा था ये। मैं ट्राई करती हूँ अपना कोल्ड पास्ता। सारे कोल्ड सैलेड्स मीठेपन में हैं तो कीप दैट इन माइंड। और आपको थोड़ा स्वीट टेस्ट अगर अपने फूड में पसंद है तो काफ़ी अच्छे लगेंगे। और सच में ये कोल्ड सैलेड है तो ठंडे हैं एकदम, ऑब्वियसली ठंडे ही होंगे। और फ्रूट सैलेड और सब्जियां सब कुछ इसमें अवेलेबल है तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। अब टेस्ट करते हैं हम अपना स्टार्टर्स, इसको मैं साइड करती हूँ और ये वेस्ट ही होने वाला है, अभी मैं खा लूँगी इसको। सबसे पहले मैं ट्राई करूंगी मेरा फेवरेट व्हाइट सॉस पास्ता, ऑलिव्स के साथ है और इतने प्राइस में ये सब कुछ अवेलेबल करा रहे हैं तो विच इज़ अ गुड थिंग। रेड बेल पेपर भी मुझे दिख रहा है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। सो अभी टेस्ट करते हैं मेरा फेवरेट। अच्छा है, जैसा होना चाहिए वैसा ही है, बट हल्की सी इसकी सॉस काफ़ी थोड़ी पतली लगी एज कम्पेयर टू द अदर मैंने बाकी जो खा रखे हैं। बट ठीक है, इतने में आप कितना ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब हम ट्राई करते हैं अपना रेड सॉस पास्ता। इसकी ग्रेवी काफ़ी थिक लग रही है मुझे, तो ट्राई करते हैं। इसका थोड़ा ज़्यादा खट्टा फ्लेवर है, थोड़ा ज़्यादा टैंगी है। सो आई प्रेफर वाइट सॉस पास्ता ओवर द रेड सॉस पास्ता। और अब मैं ट्राई करती हूँ इनकी गार्लिक ब्रेड। आई थिंक ये गार्लिक ब्रेड ही है। गार्लिक ब्रेड नहीं, आई थिंक मसाला पाव है। तो ठीक है, ये भी अच्छा है, सूखा है थोड़ा। इसको थोड़ा सॉसेस के साथ खाओ तो सही लगे हो। ये देखती हूँ इसमें पास्ता और नूडल्स सब कुछ मिक्स था, तो इसको मैं टेस्ट करके देखती हूँ क्या है। इसका टेस्ट जैसे हम घर पे पास्ता बनाते हैं मसाला वाला इंडियन वर्जन, तो उसका उसकी तरह था। सो अब मैं ट्राई करती हूँ अपने फेवरेट नूडल्स मंचूरियन के साथ, ट्राई करूँगी मैं इसको जो कि ग्रेवी मंचूरियन था। मंचूरियन काफ़ी टेस्टी लग रहा है और मुझे तो बहुत पसंद आया। स्टार्टर्स कोल्ड सैलेड से मुझे ज़्यादा अच्छे लगे, तो टेस्टी है। अगर आपको
स्टार्टर्स पसंद है तो आपको ज़रूर ये पसंद आएगा। अगर सारा ब्रेड आप स्किप कर सकते हो और अगर रेड सॉस पास्ते के फैन नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हो कि सारे स्टार्टर्स मुझे बहुत अच्छे लगे तो मैं अपना स्टार्टर इन्जॉय करती हूँ, उसके बाद हम ऑर्डर करेंगे अपनी गार्लिक ब्रेड एंड पिज्ज़ा। तो मैं ये इन्जॉय करती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ पिज्ज़ा का टेस्ट। स्टार्टर्स तो टेस्ट कर लिए और मैंने ऑर्डर दे दिया है अपना पिज्ज़ा का। सो अभी इन्होंने बोला है कि 5 मिनट वेट करना पड़ेगा और आई थिंक 4 तरह के पिज्ज़ा इनके पास अवेलेबल है और 2 गार्लिक ब्रेड, और मैंने एक आपको दिखाने के लिए एक वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों वर्जन लिया है। जैसे ही पिज़्ज़ा आता है तो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ, और मुझे अभी तक तो काफ़ी वर्थ लगा। और प्राइसेस बूफे के मैं आपको स्क्रीन पर मैंशन कर दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी मैंशन कर दूँगी। सो मुझे लग रहा है कि यहाँ आना वर्थ इट था। सो अभी जैसे ही आता है फूड तो मैं टेस्ट करके आपको बताती हूँ। और अच्छी बात कि आज मैं शूट के लिए निकली तो आज धूप भी काफ़ी अच्छी है। एज यू नो दिल्ली का लॉकडाउन हट चुका है वीकेंड, सो मुझे आज टाइम मिला तो मैंने सोचा आज शूट किया जाए। काफ़ी दिन से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी, शूट करती हूँ उसके बाद हम टेस्ट करके मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस व्हाइल वेटिंग फॉर द पिज़्ज़ा मैंने ये हैट ले ली है टाइम पास करने के लिए, अपना फोटोशूट आप अच्छे से करा सकते हैं। और गाइस हमारा मेन कोर्स मतलब पिज्जा और गार्लिक ब्रेड आना शुरू हो गए हैं। पहले उन्होंने प्लेट से ली, यह है वेजिटेरियन गार्लिक ब्रेड जिसपे चिलीज और कॉर्न डला हुआ है, काफ़ी अच्छी चीज़ डली है। और यह है चिकन गार्लिक ब्रेड, और साथ में गए हैं सिंगल सर्व कोक और थम्स अप जो भी आपको चाहिए। मैंने स्प्राइट और थम्स अप लिए। सो अभी हम टेस्ट करते हैं वेजिटेरियन गार्लिक ब्रेड। बिल्कुल काफ़ी अच्छा चीज़ डाला हुआ है, मैं थोड़ा सा इसमें डाल दूँ आगे ना। सो टेस्ट करते हैं हमारा गार्लिक ब्रेड। आज एकदम अवन से निकलते ही लाए हैं ये, थोड़ा केचप ले लो। गार्लिक ब्रेड का जैसे कि आप देख सकते हैं बेस सेम है, चीज़ काफ़ी अच्छी तरह से डला हुआ है और टेस्ट ऑलमोस्ट सेम है। अगर चंक्स आते हैं तो ठीक है, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन वाला ज़रूर ट्राई करना, इनका चिकन फ्लेवर्ड है और मुझे समझ नहीं आ रहा आई थिंक कोई फ्लेवर डाल रखा है इन्होंने, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है वो। तो अभी पिज्ज़ा का वेट करते हैं, मैं अपनी गार्लिक ब्रेड इन्जॉय करती हूँ। सो गाइस फाइनली हमारा पिज्ज़ा आ चुका है जिसके लिए हम बहुत देर से वेट कर रहे थे। सो अभी सबसे पहले मैं ट्राई करने वाली हूँ मार्गरीटा पिज्ज़ा, काफ़ी चीज़ी लग रहा है। काफ़ी चीज़ी है, मुझे अच्छा लग रहा है बहुत। और ये है थिन क्रस्ट पिज्ज़ा, टेस्ट करते हैं। मैं टेस्ट कर चुकी हूँ मार्गरीटा पिज्ज़ा, चीज़ बस पिज़्ज़ा, थिंकर्स पिज़्ज़ा, और अब फाइनल हमारा आया है पफ पिज़्ज़ा जो कि लाइक पैटीज जैसे होता है उसकी तरह ही है। तो मैं इसको टेस्ट करती हूँ, इसके क्रस्ट एकदम देखिए फ्लेकी क्रस्ट है, तो मैं इसको टेस्ट करके बता दूँ। दिस इज़ यूनिक, जैसे हम पैटी खाते हैं आलू पैटी वगैरह सेम वैसे ही क्रस्ट है, बट चीज़ के साथ तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो चार डिफरेंट बेस के फ्लेवर आपको मिल रहे हैं यहाँ पे इतने पैसों में, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो
फुल ऑफ चीज़ है सारे स्पाइसेस, और मुझे कहीं से भी चीज़ की कमी नहीं लगी। इतने कम प्राइस में ये बुफे सिस्टम दे रहे हैं, वो भी पिज़्ज़ा का, इटालियन और स्टार्टर, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। तो अभी मैं अपना पिज़्ज़ा इंजॉय करती हूँ। और एज पर दूसरे, जैसे हम पिज़्ज़ा खाते हैं तो टॉपिंग्स भी काफ़ी अच्छी थी, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और सो वर्थ इट लग रहा है। सो अभी मैं अपना पिज़्ज़ा इंजॉय करती हूँ, उसके बाद मैं आपको फाइनल रिव्यू दे। गाइज, वी आर डन विद द फूड। फाइनल हमारे को डिश सर्व हो गई है, जो कि है ब्राउनी और वनीला आइसक्रीम। अभी मैं टेस्ट करती हूँ इसको। आई डोंट नो ये कैसे कर रहे हैं, बट दे आर सर्विंग वेरी गुड फूड एंड क्वालिटी वाइज इट इज वेरी गुड। रियली हैप्पी। वी आर डन विद द फूड, और फूड मुझे काफ़ी अच्छा लगा। स्वीट डिश भी काफ़ी अच्छी थी और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ें मुझे ऐसे नहीं लगी कि एक्सपीरियंस कि दे आर सर्विंग अनलिमिटेड, तो क्वालिटी में कोई हैम्पर है। पिज़्ज़ाज़ आर वेरी नाइस, और चार तरह के क्रस्ट के पिज़्ज़ा ये दे रहे हैं, तो मुझे काफ़ी पसंद आया फूड। और आप एक बार ज़रूर यहाँ पे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ विजिट कर सकते हैं इफ़ यू लव पिज़्ज़ा एंड इटालियन फूड। और सर्विंग भी यहाँ की काफ़ी अच्छी है, और स्टाफ इज़ वेरी गुड, और मुझे अलाउ किया शूट करने को। और बुफे का प्राइस है वेजिटेरियन फॉर 299 एंड नॉन वेजिटेरियन फॉर 350। सो मुझे काफ़ी नॉमिनल लगा गाइस ये प्राइस फॉर अनलिमिटेड थिंग, अनलिमिटेड बुफे, और दे आर सर्विंग वेरी वेरी गुड फूड। हाँ, कोल्ड सैलेड्स मुझे काफ़ी अच्छे, मतलब ठीक लगे। अगर आप स्वीट डिश के प्रेफरेंस में रहते हैं तो यू कैन हैव इट। सो होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हो। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय गाइज़।